और अगली खबर मध्य प्रदेश के दतिया से, जहां धार्मिक स्थल संतुआ के पास ट्रैक्टर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को दतिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ घायलों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। ट्रैक्टर पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, करीब 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है और इनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन में जंग लड़ रहे अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिकों को मार गिराया। रूस के मुताबिक डोनेस्क के लिमान शहर में अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद थे और जैसे ही इसकी खबर रूसी सेना को लगी, उसके लड़ाकू विमानों ने बम बरसाने शुरू कर दिए। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया जहां कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। सिर्फ सैकड़ों सैनिक मौजूद थे बल्कि भारी हथियार और गोला बारूद भी रखा हुआ था। रूस ने दावा किया कि उसके इसी हमले में अमेरिका और ब्रिटेन के कई सैनिक मारे गए। रूस के इस दावे में अगर सच्चाई है तो फिर ये पहली बार होगा जब अमेरिका और ब्रिटेन की जंग में सीधी एंट्री होगी, क्योंकि अब तक उन्होंने यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई तो की लेकिन जंग लड़ने के लिए कभी सैनिक नहीं भेजे। लेकिन